अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गेमिंग टेस्ट करेंगे आज हम भाई यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 20C का, देखते हैं गेमिंग में कैसा है और वाकई ये आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगा नहीं। टेक्नो स्पार्क 20C आपको 27,000 रुपये की प्राइस में मिलता है। 4GB 128GB प्रोसेसर मिलता है आपको यहाँ पर, मीडिया टेक G36 का, 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग है। 90Hz वाला आपको डिस्प्ले मिलता है यहाँ पर, और हम ये देखेंगे कि बैटरी कितनी ड्रेन करता है। बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है भाई 100%, हमने देखना है बैटरी का खर्चा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जायरोस्कोप का ऑप्शन हमें, जी हाँ, यहाँ पर मिल जाता है, और रिवर्स जायरोस्कोप हमें प्ले नहीं करना आता, बट यहाँ पर देख लेंगे। मीडियम बैलेंस में मीडियम और स्मूथ में भी मीडियम में ही प्ले कर सकते हैं। हाई चिपसेट नहीं है, आपको ही पता है ये। तो यहाँ पर भाई 7 मिनट हो गए हम प्ले कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्ले करने की। ब्राइटनेस वगैरह ठीक है पबजी में, बट ये है कि लैग काफ़ी ज़्यादा है। ड्यूअल स्पीकर है तो मज़ा आएगा ड्यूअल स्पीकर में प्ले करने में, बट हीलियो G36 है तो उस हिसाब से भाई प्लेइंग में काफ़ी मसला बन रहा है। और जायरोस्कोप इसका ये देखिए बहुत डिले दे रहा है, ये देखिए बहुत डिले है। तो ये जायरोस्कोप के साथ आप प्ले ना ही करें तो बेहतर रहेगा। तो जायरोस्कोप को हम बंद कर देते हैं, वैसे ही मसला बनेगा भाई। ओके, हमें तो प्ले करना नहीं आता जायरो के साथ, ये पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं प्ले। ब्राइटनेस हमने फुल रखी हुई है, ठीक है, और हम देखेंगे अब ये कैसा रहता है, क्या सिस्टम बनता है। लो भाई, फड़का दिया इसने। ओ भाई, प्लेयर बना हुआ बैठा हुआ अंदर, पर लैग प्रॉब्लम मिल रही है, लैग की काफ़ी ज़्यादा हैंग की प्रॉब्लम मिल रही है। 4GB रैम तो ठीक है, प्रोसेसर थका हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। वैसे 90Hz के साथ ठीक जा रहा है, टच रिस्पॉन्स वगैरह तो ठीक है, बट ये इतनी रिस्पॉन्सिव टच नहीं है बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों PUBG टेस्ट हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर 22 मिनट 52 सेकंड्स हमने टेस्ट किया है, मतलब 23 मिनट ही हो गया टोटल। यहाँ पर भाई ब्राइटनेस वगैरह देखिए लेवल, जी हाँ भाई ब्राइटनेस फ़ोन का देखिए तो हम कम कर लेते हैं। लैग काफ़ी ज़्यादा मिला, ब्राइटर था डिस्प्ले वैसे PUBG के मामले में, बट लैग बहुत ज़्यादा था। हेलियो G36 अब कितना का परफॉर्म कर लेगा, चाहे 4GB 8GB रैम दे दें उसके साथ, परफॉर्मेंस बिल्कुल लो रही, बहुत लैग का प्रॉब्लम मिला। हम दूसरी गेम भी प्ले नहीं कर पाए ज़्यादा टाइम की वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटरी दिखाते हैं, बैटरी इस वक्त रिमेनिंग है भाई 100 थी पहले, अब 92% एम्स हमने लिखा हुआ है, 92% 8% बैटरी का खर्चा हुआ है 23 मिनट में। तो अब तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होने की तो और ज़्यादा हो सकता है। हालांकि कमरे का टेम्परेचर भी इस वक्त जो है वो 12 डिग्री है, तो उस हिसाब से अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इसका पट्टा ही बैठ जाए। मतलब हीलियो G36 गेमिंग के हिसाब से प्राइस रेंज में बहुत बकवास है भाई, ये कंपनी को थोड़ा सुधरना चाहिए। तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है, बट आपको बैटरी ड्रेन करके हमने दिखा दिया और गेमिंग एक्सपीरियंस भी दिखा दिया। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ हमसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।